राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? तो भाई आज ये ब्लॉग, क्योंकि कमेंट आते हैं कि आप टूर ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी करेंगे उस्ताद जी के साथ चेतक पे, क्योंकि कई दिन हो गए चेतक को चलाए, तो अब आदत डाल रहे हैं टूर ट्रैवलिंग की। तो आज दो तीन काम है, मोहाली से चलेंगे। 7 कितने घंटे लगेंगे जी? 7-8 घंटे लग जाएंगे। मतलब 7 घंटे लगेंगे गाड़ी में, तो उस्ताद जी चलाएंगे और फिर पूरे दिन की डाइट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मेंटेन करें अपनी डाइट को खुद ही, क्योंकि हमारे सपने तो हमें पूरे करने हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है। उसके बाद फिर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हर कोई कहता है थक गया मैं, 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवलिंग करके थक गया, तो यहाँ तो भाई 10-10 घंटे बाइक राइड करनी है। थकावट का सब चीज़ मिटाना है। तो अब आदत सी डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, काफ़ी सारी वीडियोज आती नहीं है पंगाल ब्लॉग्स पे, और पूरे इंडिया का टूर करेंगे। 40 कितने 40 दिन लग जाएंगे? 40 सिटीज बड़ी बड़ी सी। अच्छा हाँ, मतलब 40 एक दिन तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि 40 जगह रुकेंगे, तो आप लोगों के साथ जिम करूँगा, आपकी सिटीज़ में आपके साथ घूमूंगा, तो मज़ा आएगा काफ़ी सारा। तो आज का ब्लॉग एंजॉय करें। चले उस्ताद जी, चकदे पट्टे रेडी लो। तो आप कुछ कहना चाहोगे? आने के बाद कहेंगे, तो अभी तो चलो चल ही भाई। रहे हैं। चल पड़े हैं भाई, और अभी टाइम हुआ है 7:50 हो चुके हैं, और 7 घंटे लगेंगे, और हमारे पायलट हैं चिंटन। 7 घंटे लगेंगे उस्ताद जी? 7-7.5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं, थोड़े शॉर्ट्स एंजॉय करो रास्ते के। चलान हो गए महंगे, सारे सारे चलान महंगे, क्योंकि स्पीड वाले खड़े थे। स्पीड का भी चलान बढ़ गया, 2000 रुपये हो गया स्पीड का। पहले कितना था उस्ताद जी? 400 रुपये, और अब 2000 रुपये। तो सारे चलान एक पार हो रहे हैं। हाँ जी, नाई डेली धोबी लुहार पंडित खाती जाट जो भी लिखते थे ना, हाँ, उनकी भाई सारे के वो फिल्म बना दी है। हटा दियो? हटा दिए, जो पीछे लिखवाते थे जाट गुजर राव साहब, हाँ, वो लिखे हुए ना चलान है भाई, उसको मिटवा देना हटा देना। और पुलिस लिखते हैं पीछे, पुलिस आर्मी? हाँ, नहीं तो फिर जो ना इनाम मिल जाएगा। नहीं, इसका भी चलान कर दिया पुलिस? सबका, सिवाय अथॉरिटी की नंबर प्लेट वो ही लागू है, उसी की मान्यता है, बाकी अदरवाइज काली फिल्म और पेंटर का कलम सब बंद। उस्ताद जी एक नंबर, उस्ताद जी ने काली फिल्म और पेंटर का कलम, तो भाई सब पे चलान है, तो जिसने जो जो लिखवा रखा हटवा लेना भाई, और बहुत ज्यादा सकता है। अभी कम से कम बता रहा हूँ 20 पुलिस वाले खड़े थे चेकिंग कर रहे, वो यही चेक कर रहे थे कि गाड़ी के पीछे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, तो जिस जिसने लिखवा रखा वो हटवा लेना भाई। भीड़ हो रही है, तो जबरदस्त ब्रेक मारे, हाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक मारे नीचे गिर गया। अभी होया है, अभी होया है। ओहो, अभी हुआ बिल्कुल। देखा था आपने? 100% ना देखा तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी होया है ये, कहाँ कुदा दी इसने? वो किसी बाइक को बचाने चक्कर में कुदा दिया है। ओहो, अभी अभी हुआ है किसी लगे, और ना जी दो गाड़ियों की टक्कर है। हाँ, दो ट्रक है, जो भी हुआ है अभी हुआ है। हाँ, दो ट्रक है, एम्बुलेंस आ गई, चोट लगी है पक्का। ओ तेरी की, ट्रक वाले ने ट्रक वाला ही घेर दिया, वो तो एक तो उल्टा हो गया बिल्कुल। हाँ, बताओ टक्कर मारी अभी बाहर। भाई हाईवे की तो यही कहानी की उस्ताद जी। एक्सीडेंट देखा, हाईवे की यही कहानी है, अपनी सीट बेल्ट लगा के चला करो, होनी बलवान है लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्यों उस्ताद जी? भाई सुरक्षा में सुरक्षा है बिल्कुल। तो चलो आगे कुछ खाने का हो जाए, भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि अपने को तो फिर बॉडी भी बरकरार रखनी है ना। जबकि ट्रक देखो कहाँ फंसा है इसने, इसी को रोकेंगे अब। उत्तरी आप चलो निकाल दिया ना भाई जी, इसने ट्रैफिक जाम कर रखा है, ये रोड बना रहे हैं और पूरा ट्रैफिक जाम है, कम से कम 8-10 किलोमीटर
ट्रैफिक जाम है, 10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम है। ये शक्ल देखो नहीं, ये वहां से ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, ये नहीं के कारनामे है ये। आप खड़े हैं यहाँ पे? अरे आप यहाँ खड़े हो, हम तो आपको वहां ढूंढ रहे थे। चलो भाई भूल गया ट्रैफिक, मतलब इतना लंबा बना दिया 7 घंटे का रास्ता। नहीं, आईजी साहब की मेहरबानी है जो उसके पीछे से निकले हैं हम। वो तो सही बात है, वो तो हरियाणा के आईजी की कहानी है, तो खुलता ही नहीं। बताना जी, आईजी साहब की सरकारी गाड़ी थी, ट्रैफिक पुलिस आगे पीछे दौड़ रही थी और उस चीज का हमें भी बेनिफिट मिल गया भाई। देखो भाई अभी निकल गए, नहीं तो अदरवाइज फंसे हुए थे। रोड खत्म है, इनकी गलती है क्योंकि रोड खत्म है। आप भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, सब रोड के बीच में खड़े हैं भाई। तो खत्म है पूरा, ये हमला सारा यहाँ से जो है ना, ये है सारी कहानी। इसलिए इसलिए ट्रैफिक है, फ्लाई ओवर टूट गया, ये उन्होंने फिर बंद कर दिए। ये है ट्रैफिक, ये देखो पुलिस फोर्स प्रशासन सतर्क है बिल्कुल पूरी तरह से। भाई पुलिस फोर्स भी फुल लगी हुई है, देखो इनकी गलती नहीं है जी, पूरा हाईवे ही खत्म है, टूट गया रोड, फ्लाई ओवर देखो। प्रोटीन पी लेते हैं भाई, प्रोटीन का टाइम हो गया। पहले पी रहा था, सुबह कुछ पिया नहीं ना सुबह से, उसके बाद खा लेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ है ही नहीं खाने का भी। अभी तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा लगे, टाइम हो गया 10:05 हो गए। रोटी नहीं पी लेते हैं, ताऊ पूरा जोश में चला रहे बाइक, बिल्कुल ताऊ आगे मुड़ गया बिल्कुल। एक बार शेकर पी लूं, मेरे तो गिर गया, बाहर जाके पीऊंगा। सीट बेल्ट हटाऊं, शेकर ही खराब हो गया। उस्ताद जी की सेहत का राज देख लो भाई, प्रोटीन है उस्ताद जी की सेहत का राज। उस्ताद जी क्या कहना चाहोगे प्रोटीन के बारे में? उस्ताद जी ने पीना शुरू कर दिया 2 बार सुबह शाम। हम हैं तो दम है। बिल्कुल भाई, जरूरी है उस्ताद जी, जरूरी है, फिटनेस जरूरी है। 2 बज गए तो अभी चल ही रहे हैं, 2 बज चुके हैं और उस्ताद जी की हिम्मत है भाई। पर उस्ताद जी ना मतलब गाड़ी में बैठ के तो खींच देते हैं गाड़ी को। उस्ताद जी कुछ लेंगे, भूख लग रही है, आधा घंटा रेस्ट कर लेंगे और फिर अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। आप इधर हो गए बैठे बैठे, तो अभी कुछ खा लेते हैं, फिर एक दो काम उनको निपटा लेंगे, उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट करेंगे। अपने को ना तो पता ना किक मिलती है वर्कआउट से, तभी तो बॉडी बात बनती है। क्यों तो वर्कआउट का टाइम जरूर निकाले, आप कितने बिजी हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, लेकिन वर्कआउट का टाइम जरूर निकाले, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, उसमें फिट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं। एक हमें बाहर के खाने का नाम भी तो नहीं पता, उसका नाम है राज कचौड़ी, हम बोले खस्ता कचौड़ी, और राज कचौड़ी वहीं मिलती है। अरे भाई राज कचौड़ी हाँ भाई गलत बोल गया ना, हमें पता नहीं ना इतना बाहर का, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले इंसान है। सही है सर। कितने? दो दो सौ बावन। अबे हम तो रोटी सब्जी अपना दूध दही और खाने वाले हैं। अब कभी देखी थी राज कचौड़ी तो याद आ गई, राज कचौड़ी उसका नाम है खस्ता, नहीं उसका नाम राज कचौड़ी जो हम खा रहे हैं, और खस्ता कचौड़ी मुझे याद आ गई। उस्ताद जी पिछली बार क्या पिछली बार आए ना तो थके हुए थे, बाइक पे थे, मैंने सोचा कि सोफा थोड़ा रेस्ट मिलेगा, हमने ऊपर से एकदम जम मारा, फूट गया पीछे चला गया। उस्ताद जी सोचा सोफा है, ये निकली लकड़ी है जी। एक तो आए हम पता नहीं कहाँ लंबे टूर से आए थे बाइक पे, उस्ताद जी ने सोफा, उस्ताद जी सीधा बैठ के कूद गए और ये थी लकड़ी। अब देखो उस्ताद जी मैंने कैसे बनवाई अब डाइट, देखो अब तो देखो यहाँ मुझे और कुछ नहीं मिला तो राज कचौड़ी को ही थोड़ा मॉडिफाई करवा दिया। इसमें और उसमें भी फर्क है, इसमें और उसमें फर्क है जी, आपके में हरी चटनी लाल चटनी है, हाँ इसमें दही है,
इसमें हल्का सा चट्टा मिल गया। हाँ चट्टा मिल गया, उबले आलू हैं और दाल है इसके अंदर, जो आपके स्प्राउट्स होते हैं ना वो इसके अंदर है। फोड़ के दिखाऊँ क्या, अंदर दिख रहे होंगे। तो उसमें दाल है, दही है ना, इसमें मैंने कोई लाल चटनी हरी चटनी कुछ नहीं डलवाई, और इसमें आपको फ़र्क दिख जाएगा। पूरा चट्टा भाई है क्या इस जी से? पूरा चट्टा है। कंप्लीट हो गया सारा काम, अब जब आके चलेंगे जिम करेंगे। फुल मस्ती में जोश आ गया अपने को पूरे दिन से, क्या करो बाइसेप्स एक नंबर है अभी, कहाँ भाई अभी तो जबरदस्त वर्कआउट करना है। तो अभी चेंज कर देता हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आपको जिम में, क्योंकि वर्कआउट करना बहुत जरूरी दोस्तों। जरूरी है उस्ताद जी पक्का है? तो बस ठीक है, उसी से तो फिट रहना है। क्या करो 2 बजे पहुंचेंगे रात को? कोई दिक्कत नहीं भाई, उस्ताद ने कहा कोई दिक्कत नहीं 2 बजे पहुंचेंगे, लेकिन जिम करना बहुत जरूरी। तो चलो फिर, हाँ तो आ गए जिम भाई, 6 बज गए, 7 बजे चले थे और 6 बज गए। तो अब जाके फिर और अब करेंगे वर्कआउट। तो बड़ी मुश्किल से जिम ढूंढा इस रोड पे, तो वर्कआउट करते हैं। लेग्स का वर्कआउट वैसे स्किप नहीं करता मैं तो लेग्स, क्यों वो अपने आप कहा था हरियाणा वाला छोरे की पटनी तो बेकार है छोरा, तो करेंगे तब आगे एक्सरसाइज। तो मैं रेडी हो जाऊँ फटाफट। क्या फायदा है भाई क्या है मामू जी, कैमरा है आप भी आ रहे हो अभी इसमें? नहीं पैसे का आता होगा ना जी, पैसे का तो नहीं है, सस्ता ही है तो, सस्ता ही है तो। तो कंप्लीट हो गया है भाई? अच्छा चलो, तो कंप्लीट हो गया वर्कआउट, अब चलते हैं लेग्स का वर्कआउट किया जबरदस्त। क्या करो बॉडी तो दिखा दो, बस कुछ दिन का वेट और करो, सिर्फ 1 महीना और, फिर टी शर्ट भी उतरेगी। वो सुना है ना हमने टी शर्ट क्या पहनी, लोगों ने तो टी शर्ट पहननी छोड़ दी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टूर ट्रैवलिंग बिजी थे, बस थोड़ा सा वेट और आगे। उस्ताद जी बाहर अब चलते हैं, उस्ताद जी वेट कर रहे हैं घंटे से।
तो हो गया लेग्स का वर्कआउट। वर्कआउट ज़रूर करें, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितनी भी बिजी लाइफ हो आपकी, आपकी कितनी ही बड़ी पोस्ट है, आप कितना ही कमाते हैं, वो किसी काम का नहीं अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है तो। क्योंकि सारी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए लगा दी, शरीर गवाया, और बाद में उसी पैसे को शरीर के लिए लगाया, तो थोड़ा कमा लो, फिट ज़्यादा रहो। जब याद आते हैं ताजी खोलो। आपने प्रोटीन तो नहीं पिया? हाँ मैं प्रोटीन लेके आया हूँ, दोनों का है। ये लो उस्ताद जी, लो आधा आपका आधा मेरा, दोनों को पियेंगे। तो उस्ताद जी आ चुके हैं, आप चलते हैं भाई। और यहाँ से कोई 6-7-8 पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, लेकिन वर्कआउट कंप्लीट कर दिया तो मिलते हैं, अभी पसीना सूखा भी नहीं है। तो वर्कआउट ज़रूर करें, हो गया कम्प्लीट। क्या करो भाई, सबसे पोल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो आगे उस्ताद जी, अब चलते हैं। तो भाई यही डिनर है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो सब्बे लिया अपना सैलड, अपना पनीर सैलड, अपना पनीर सैलड लिया है, सबसे बढ़िया अब यही खाऊंगा। और उस्ताद जी ने खाया नहीं, उस्ताद जी ने एक कोक पिया है। उस्ताद जी भाई गाड़ी चलानी है? बिल्कुल। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और 22 घंटे हो गए आना जाना, फिर मतलब 2:30 बज चुके हैं, सुबह के 2:30 बज चुके हैं। कितने बज गए? 2:30 बज गए ना? हाँ 2:14 हो गए हैं। एक मिनट देख ही लेते हैं, मुझे भी 2:13। तो सुबह निकले थे 7 बजे, और अच्छा रहा, किसी आँखों में नींद है, यहीं से ले लो जी। हाँ बस सही है, तो पहुंच ही गए बस। उस्ताद जी हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको इतनी लंबी ड्राइविंग करके? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं? ना 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 ना, उस्ताद जी के हौसले बुलंद रहते हैं हमेशा। 22 घंटे हो गए हैं तो भाई अब बहुत तेज नींद आ रही है। तो वर्कआउट जरूर करें, आप कितने बिजी हैं, थोड़े से थोड़ा टाइम निकाल लें, अब चलते हैं, गहरी नींद हो जाए, क्योंकि सुबह भी फिर वर्कआउट करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब दूर मचा देना, ऐसे प्यार करते रहो। क्या 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 कह रहे हो, लाइक करेंगे? हाँ बिल्कुल, और कमेंट करके जरूर बताना, और माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद जय भारत। उस्ताद जी आप कुछ कहना चाहोगे? अभी भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अभी क्या कह सकूं। तो अभी रोक देते हैं वीडियो को, फिर अभी उस्ताद जी को देते हैं। तो भाई उस्ताद जी की वीडियो रह गई थी, घर आ गए। उस्ताद जी आप बताओ, मेरे को तो नींद आ रही है बहुत तेज। ले लो भाई, पकड़ो भाई। आ गए और पूरे 22 घंटे लग गए, लेकिन आप लोगों को जो है ना देखते हुए, हमारी भी बैटरी चार्ज ही रहती है हर टाइम, और बड़ा मज़ा आया। सारा दिन 2-3 काम निपटाने थे, निपटाए, उसके बाद वापस चले। क्या करो, आदत सी हो जाएगी अब 40-50 दिन? वो तो चलना ही चलना भाई, डेली है। हाँ तो सब तगड़े रहना भाई, खुश रहना, और वीडियो को देखना, कमेंट्स करना, एक पोस्ट तो हो जाए ओके तो मिलते हैं, और लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, क्या करो, तगड़े तो जा रहे हो, तगड़े तो आए भाई हम